एंड ये धन्नो जो है मेरी, ये बिक रही है एंड लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा है। Hello everyone, what's up? My name is Adroflow and welcome to my channel. So thank you so much guys for all the love and support on the last vlog. मतलब मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को इतना पसंद आएगा वो beatboxing वाला part. And I'm sure कि मैं आगे जाके और भी crazy beatboxing videos बनाने वाला हूँ, और सिर्फ vlog में नहीं, एक अलग separate proper music video जैसा भी बनाने की मैं try करूँगा. And आप लोग ऐसे ही support करते रहो, it feels really good. आप लोग के comments में पूरे पढ़ता हूँ and मज़ा आ जाती है पढ़ के. और अगर लूप स्टेशन भी सही हो गया तो आगे चल के मेरे को सॉन्ग्स के कवर्स भी बनाना है. मेरा कैश नहीं रहता अभी. क्या बात कर रहा है तू भी? क्या हुआ? नहीं वो मेरे पास 2000 का नोट था, कैब वाली पास ना गूगल पे ना जून पे. नहीं 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 अंकल, इसे छुट्टा बोलता नहीं, तू उसमें से ही उतरे थे, बोलता मैं तेरे को दे देता हूँ. मतलब नहीं ऑटो में से यही उतरे थे. अच्छा तेरे बिल्डिंग के ही है? तो मैं वाला बोले आप 500 ले लो. नहीं मतलब गूगल पे आपके पास? बोलते नहीं है. क्योंकि फिर मैंने कल मेरे को याद आया कि मैंने निकाला था. हाँ तो ये चल रहा है. तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया. तो अगर मेरा लूसिन भी बन गया तो सॉन्ग के कवर्स भी बनाना है, ये सब करने का प्लान है. तो लेट्स सी इसमें से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, देखते हैं आगे चल के. ठीक है तो अभी तो कहाँ से आया मैं? तो गाइज मेरे को ना मेरे घर पर एक पुराना फ़ोटो एल्बम मिला और मैं देख रहा था. तो मैं एक फ़ोटो देखा, दूसरा देखा, और देखते देखते पूरा एल्बम ख़त्म हुआ. बट एक फ़ोटो नहीं मिली मेरी, एक फ़ोटो. मतलब मेरी बचपन की एक आधा फ़ोटो तो है उठाया हुआ है, बट मेरी ये फ़ोटो एल्बम में फैमिली का फ़ोटो एल्बम है पूरा. इसमें एक फ़ोटो नहीं है, इसमें मेरी बड़ी बहन की, मेरे बड़े भाई की, और मेरी छोटी बहन, मतलब मेरे से बड़ी है वो भी बट छोटी बहन है, उसकी फ़ोटो, मम्मी की, डैडी की, सबकी है. बट मेरी एक फ़ोटो नहीं है. मतलब मेरे को ना अभी घर पे कॉल करके बात करना पड़ेगा कि ये पार्शलिटी क्यों. और इन लोग मेरे से कितने बड़े हैं तो उन लोग की तक की फ़ोटो है, बट मैं तो इतने टाइम बाद आया हूँ दुनिया में, बट मेरी एक भी फ़ोटो नहीं. ये देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मेरी मम्मी, गोद में मेरी छोटी बहन, नीचे भाई और मेरी बड़ी बहन. दिख रहा है क्या? फोकस हो जा. और ये द गबरू, द डॉन, द आइबा, ये मेरे डैडी पापा. एकदम स्मार्टी थे जवानी में, मगर फिर भी बहुत गलत हुआ है मेरे साथ. मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है. कॉल लगा रहे मम्मी को. तो लोग पूछ रहे हैं जो तूने लास्ट व्लॉग में कहा था उसके बारे में, वो बात करनी है कि 21st का कौन सा बोल रहा था, कौन सी, किस बारे में बात करनी है? उसी बारे में. उसी में ना 21st की तूने डेट दे दिया है, इतनी पटीली में आके डेट्स भी तूने बता दिया है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी है ना सर डेट वेट देने का नहीं. हाँ डेट नहीं गाइस, वो जाएंगे इसी मंथ, बट थोड़ा आगे पीछे होगा, हो सकती है. मैंने वही टाइम पे बोल दिया था कि तूने डेट भी दे दिया, मतलब इतना तू कैसे अपने आप का भरो. कॉन्फिडेंट था मैं. चलो कोई नहीं, बट ऐसा मत सोचना कि नहीं जा रहे हैं इन लोग तो कैंसिल हो गया, बट जाएंगे हम लोग ज़रूर. चलें चलो, इसको इसका अभी वापस से सफाई, हाथ सफाई करवाना है, तो जाते हैं फट से. लेट्स सी व्हाट हैपेंस बेबी. तो पता नहीं बारिश को हम लोग से क्या प्रॉब्लम है, मतलब ख़ास तौर से मेरे से क्या प्रॉब्लम है. मतलब मैं बाइक लेके निकलूँगा कहीं भी, 2 मिनट के रास्ते में भी जाना है, बाइक लेके जैसे मैं निकलूँगा तो बारिश हो जाएगी ज़ोर से एकदम. और जैसे हम लोग गाड़ी में बैठेंगे तो बारिश नाम की चीज़ नहीं रहती है. अभी देखो, हाँ अभी हम लोग गाड़ी में हैं, ये ड्राइव कर रहा है, ओ माय गॉड विशाल इज ड्राइविंग. अभी मैं जैसी गाड़ी से उतरूँगा, ऐसी गाड़ी बिल्डिंग में पार्क करके, तो बारिश हो जाएगी. ये मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. मतलब मैं घर से निकलूँ बाइक लेके तो बारिश होगी, गाड़ी में बैठूँ बंद हो जाएगी. तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बात करूँ ऊपर.
भाई कितने दिनों बाद। हाँ ऋषि, इधर रात में एक्टिवा पे हम लोग जा रहे हैं और घूम रहे हैं। मतलब क्या है, अभी विशाल को ड्रॉप किए तो अभी, और यहाँ पे देखो पीछे ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देना चालू है, वेट नहीं करता। तो बहुत मजा आ रही है और बारिश भी नहीं हो रही है, फाइनली एक्टिवा पे हम लोग और बारिश नहीं हो रही है। अंदान घर जाएगा ना तब तक हो जाएगी। मेरे से प्रॉब्लम है, ऋषि से नहीं है। मतलब ऋषि जब तक है मेरे साथ जब नहीं होगी, मैं हमेशा आधा ही गीला होता, अदनान पूरा गीला होता है। गाड़ी सीखने के बाद मैंने जो गाड़ी सबसे कंफर्टेबली अच्छे से चलाई है वो इसकी सिविक, और मेरे को अभी इतना मन कर रहा है ना वो चलाने का, मैंने इसको बोला भाई पहले मैं चलाऊंगा, जैसे ठीक होगी सबसे पहले मेरे पास। टेंशन मतलब कल सुबह में मिल जाएगी सिविक और मैं कल लेने जाऊँगा, ब्लॉग में भी बताऊँगा जाने के टाइम गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी कल मिल जाएगी ठीक ठाक होके, फिर अपन घूमेंगे ना गाड़ी में, फिर तू लेके मेरे यहाँ पे आ जाना, मेरे पास फिर बाजू में बैठ जाना। और सिविक का ये है कि सिविक के बारे में भी मुझे कुछ बात करना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वो। मैं कल सिविक मिलेगी ना तो मैं उसको सिविक में बैठ के ही बात करूँगा सिविक के बारे में, मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा, कल ही बोलना अभी। हाँ अभी लोग से हमारी दुश्मनी है, नहीं पकड़ पाएंगे। Everyone, I'm finally in my car right now, my धन्नो। एंड ये धन्नो जो है मेरी, ये बिक रही है एंड लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा है। मतलब सऊदी अरब से आने के बाद की ये मेरी पहली कार थी, और ये कार में हम लोग, मतलब ये मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं बची रहेगी जहाँ पे हम लोग ये कार लेके गए नहीं है, जहाँ पे हम लोग घूमे नहीं है। और लोनावला, माथेरान, हर जगह हम लोग ये गाड़ी लेके जाते थे, घूमते थे, और लिटरली इतनी मज़ा आती थी ये गाड़ी में घूमने के लिए। एक अलग ही वाइब्स है ये गाड़ी के। आप लोग ऋषि विशाल से भी पूछेंगे तो उन लोग भी बोलेंगे कि गाड़ी में घूमने का एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही अटैचमेंट हो गया था मुझे एक कार से, क्योंकि सऊदी अरब से आने के बाद कि मेरी ये पहली कार थी। ये गाड़ी के बारे में मुझे हर एक नॉलेज हो गया था कि आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही रहेगी, इसका ये ऐसा है तो क्या हो गया रहेगा, इसके बारे में मुझे सब चीज़ पता हो गई थी। एंड ऐसा भी नहीं कि ये कोई स्पोर्ट्स कार है या फिर कोई ब्रांड न्यू कार है जिसके जाने का मुझे दुख हो रहा है, ये नॉर्मल एक कार है, होंडा सिविक। बट एक अटैचमेंट रहता है ना, वो चीज़ों से भी हो जाता है, तो वो मेरा इसके साथ हो गया। तो अभी मेरे फादर का कॉल आया था कि बोले इसको बेच के दूसरी गाड़ी लेते कोई अच्छी, तो इसका सौदा हो गया ऑलमोस्ट एंड ये जाने वाली है अभी जल्दी। तो ये थी आज की ताज़ा खबर, जो मेरी सिविक है ये बिक रही है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये मेरी कार यहाँ खड़ी है और उसके आगे ही ये पागल इंसान ने आगे ही गाड़ी खड़ी कर दिया है मेरे। पागल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने जगह देखो कितनी है, वहाँ पे कितनी जगह है, हर जगह गाड़ी पार्क करने की जगह है, बट इसने लाके मेरी गाड़ी के सामने ही खड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कॉल लगाना पड़ेगा, गैराज वाले को कॉल लगाना पड़ेगा, ये भी है नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मुझे कहीं जाना था अर्जेंट। एक तो ये गाड़ी चलाने इसलिए भी और मज़ा आ रही है क्योंकि ये इतने टाइम से लॉकडाउन में भी खड़ी थी, कम से कम 3 महीना खड़ी थी, और इतना टाइम खड़ी रहने की वजह से इसमें चूहों ने वायर भी काट दिए थे, तो मैं इसको चलाया ही नहीं हूँ 4-5 महीने से। और अभी इसको बनाकर जब अभी चला रहा हूँ, एकदम स्मूथ जब चल रही है तो चलाने और भी मज़ा आ रही है। कोई नहीं, अभी आगे और भी कोई एक अच्छी गाड़ी लेंगे, और दिमाग में है बहुत सारी गाड़ी, उसमें से कोई एक शॉर्ट लिस्ट करके अच्छी एक गाड़ी लेंगे और आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ। तो लेट्स सी, आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, अलग अलग, प्रीटी एक्साइटेड। ऑलराइट एवरीवन, दैट वाज प्रीटी मच इट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप लाइक कर दो, और अगर नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फिर अभी फट से देते हैं शाउट आउट। ऑलराइट, सो शाउट आउट टू राधिका रजक एंड श्लोका मसरानी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहो। एंड अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो इट्स सिंपल, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू द चैनल, और नीचे कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो, तो फिर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट का चांस मिल सकता है। ऑलराइट देन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp crossbow accurate and drop the multiverbal milligram supplement plus. तो देखो बोला हूँ मैंने कितनी बार कि इतना क्लोज मत चला गाड़ी के, तो क्यों ऐसा नाटक कर रहा है? अभी क्या हुआ ना, एकदम क्लोज चला रहा था पीछे एक के गाड़ी और आगे वाले ने अचानक से ब्रेक मारा, बट और मैंने देखा था रोक दिया इसने। मैं क्या बोल रहा हूँ, तूने मारा ब्रेक, बहुत अच्छी बात है, गुड जॉब। बट क्या सीन है ना, देखो मैं जब बोल रहा हूँ ना कुछ तू मिस्टेक कर रहा, तो सुन ले। अरे बस आ बस, मैं कल से नहीं सिखाने वाला, चल अपना सीख लेना। हो गया, सीख लिया।